हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरी कलीग शिल्पा, जिनसे हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल नर्व पाल्सी के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे रिस्ट ड्रॉप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम रेडियल नर्व के रूट के बारे में बात करते हैं। हमारी रेडियल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, वहाँ से ये एक्जिला से निकल के ह्यूमरस के ग्रूव से पास होती है और अपर आर्म के एंटीरियर में एंटर हो जाती है। इसकी जो डीप ब्रांचेस हैं वो हमारे फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल को मोटर सप्लाई करती हैं और सुपरफिशियल ब्रांचेस सेंसरी सप्लाई करती हैं। रेडियल नर्व इंजरी होती है रेडियल नर्व के दबने से या किसी एक्यूट ट्रोमा की वजह से। रेडियल नर्व इंजरी को हम सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते हैं और हनीमून पाल्सी भी इसे कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं रेडियल नर्व के फंक्शंस के बारे में। रेडियल नर्व हमारे रिस्ट और फिंगर्स के एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है और साथ ही ये सप्लाई करती है हमारी ट्राइसेप्स मसल को, जो कि एल्बो को एक्सटेंड करने का काम करती है। अगर रेडियल नर्व में इंजरी होती है तो ये मसल्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी और पेशेंट को एक्सपीरियंस होगा रिस्ट ड्रॉप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि रिस्ट ड्रॉप आखिर हमें होता ही क्यों है। रिस्ट ड्रॉप कई कारणों से होता है, जिसमें से सबसे मेन जो इसका कॉज है वो है हमारे ह्यूमरस शाफ्ट के डिस्टल थर्ड का फ्रैक्चर हो जाना। उसकी वजह से जो नर्व है वो इंजर हो जाएगी और हमें रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग बैसाखी यूज़ करते हैं या क्रचेज यूज़ करते हैं, वो जब ढंग से वो यूज़ नहीं कर पाते हैं तो जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। एंड अदर कॉजेज ऑफ रिस्ट ड्रॉप आर लेड पॉइजनिंग, किडनी डिजीजेज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड फॉलिंग ऑन आर्म। आइए अब हम बात करते हैं स्पेशल टेस्ट के बारे में। अगर किसी को रेडियल नर्व इंजरी है तो उसका स्पेशल टेस्ट क्या होगा। हम पेशेंट को हिच हाइक साइन करवाते हैं। रेडियल नर्व पाल्सी के अंदर पेशेंट हिच हाइक साइन नहीं कर पाता। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेडियल नर्व पाल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें हम पेशेंट को ब्रेस एंड कॉकअप स्प्लिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उनकी रिस्ट एंड फिंगर स्टेबल रहे एंड कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट किए जा सके। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ताकि पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो और उसकी मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जा सके। साथ ही इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हम पेशेंट को मोटर पॉइंट्स पे मसल स्टिमुलेटर लगाते हैं, जिससे उसकी मसल्स को रीएजुकेट किया जा सके। इसी के साथ हम पेशेंट को NSAIDs एंड स्टेरॉयड इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के रिजल्ट ना आए तो हम उसे सर्जरी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि नर्व रिपेयर एंड टेंडन ट्रांसफर। प्राइमरी फोकस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे होता है, जैसे फिजियोथेरेपी, और जनरली 2-3 महीने में इसके रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। 99% कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के रिजल्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थी रिस्ट ड्रॉप के बारे में और रेडियल नर्व पाल्सी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।